फेमस एक्ट्रेस हिना खान इस टाइम पर अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। हिना खान को थर्ड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन इसके बावजूद इतनी मुश्किल घड़ी में भी वो हमेशा मुस्कुराते हुए इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रही हैं। हाल ही में हिना खान के कई सारे ऐसे वीडियोज वायरल हुए जिसमें हिना खान मनीष मल्होत्रा के शो में रैंप वॉक करती नजर आई और उन्हें देखकर ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो रहा था कि एक्ट्रेस अंदर से जो टूटी हुई है वो रैंप वॉक करते हुए कितना कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। हिना खान लोगों को काफी इंस्पायर कर रही हैं क्योंकि कैंसर होने के बावजूद जिंदगी की जंग को वो जिस तरीके से लड़ रही हैं ये वाकई काबिले तारीफ है। बात करें हिना खान की पर्सनल लाइफ के बारे में तो सब जानते हैं कि उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल जो है वो रॉक की तरह उनके साथ खड़े हुए हैं हर सिचुएशन में, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं लोगों को ये शक है कि इस मुश्किल घड़ी में भले ही रॉकी एक दोस्त की तरह उनके साथ खड़े हों लेकिन एक बॉयफ्रेंड के तौर पर एक होने वाले शौहर के तौर पर शायद वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। और इसका सबूत है हिना के वो इंस्टाग्राम पोस्ट जिनके जरिए लोग ये दावा कर रहे हैं, ऐसे कयास लगा रहे हैं कि हिना खान के कैंसर होने के बाद बॉयफ्रेंड ने शायद उनको पहले की तरह प्यार करना छोड़ दिया है, उनका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि हिना खान लगातार अपने इंस्टाग्राम पर कई सारे सरकास्टिक पोस्ट कर रही हैं। हाल ही में हिना खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया। हिना खान का लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट देखने के बाद लोग ऐसे कयास लगा रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि इस मुश्किल टाइम में शायद रॉकी ने उनका साथ छोड़ दिया है या जिस तरीके से वो उनसे एक्सपेक्ट करती थी साथ रहने का वो शायद उस तरीके का टाइम नहीं देना चाहते हैं। लोग तो शायद ये भी कयास लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम तरह की बातें हैं जो की जा रही हैं हिना को लेकर कि इस टाइम पर बॉयफ्रेंड ने उनका साथ छोड़ दिया है, उनसे ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन इंसानियत के नाते वो उनका ख्याल भी रख रहे हैं। अब इन दावों में इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हिना खान और रॉकी जायसवाल ही बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि हिना खान इस टाइम पर ना सिर्फ अपने कैंसर की वजह से बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी परेशान है। हिना खान की जिस इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर ये बातें की जा रही हैं, दरअसल उसमें लिखा है मैं तेरे जिक्र में भी नहीं और मुझे तो लफ्ज़ लफ्ज़ याद है। अब इस पोस्ट को देखकर क्या कहा जाए कि हिना खान किसे मिस कर रही हैं? ऐसा पोस्ट या तो कोई अपने हस्बैंड के लिए करता है या फिर उसे जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब हिना खान का जिस तरीके से दिल टूटा हुआ है उनके इस पोस्ट को रॉकी जायसवाल से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हिना और रॉकी के ब्रेकअप की खबरें उड़ी हो, इससे पहले भी रॉकी को कर ये बातें की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि हिना के कैंसर के बाद रॉकी ने उनका साथ छोड़ दिया है जिसकी वजह से एक्ट्रेस काफी परेशान है। हालांकि कुछ टाइम पहले रॉकी हिना को लेकर काफी सारी पॉजिटिव बातें भी करते नजर आए। अगर उनके और रॉकी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है तो आखिर हिना ने इस तरीके से सरकास्टिक पोस्ट क्यों किया है, इसी को लेकर लोग परेशान है। हिना खान को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि वाकई हिना खान का उनके बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल ने साथ छोड़ दिया है? दोनों के रिलेशनशिप को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? जो भी आपकी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं।